बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम हम्द की तस्बीह है उस पाक जात के लिए जिसने हर शय को अदद में गिन रखा है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो हर शय की अदद को जानते हैं। मैं तालिब इलम हर्फ व अदद गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, एक मोसने इस्लाम है, एक मोसने इस्लाम है। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पाक इस्म के तवस्सुल से आपने इस राज को जानना है और इस मारफत के साथ अमल करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह, भई इल्मे जफर इल्मुल अदास से पूछ लेते हैं कि हुसैन और बीबी सैयदा के आगे क्या हम रज़ी अल्लाह लगा सकते हैं कि नहीं। तो आप यकीन के साथ इस अमल को कीजिएगा, हर बंदिश खुल जाएगी, हर काम में आसानी होगी। नयाब तरीन वजीफ़ा है, इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। इसकी निस्बत ही मौला हुसैन वालिये करबला और मलकाए शाम से है। यकीन के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाल्लाह हर बंदिश रुकावट का खात्मा होगा, हर काम में आसानी होगी, मुश्किलात आसान होंगी आपकी। इस अमल को करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अदद 128 है और सैयदा बिनते अली का अदद 69 है। 69 जमा कर लें तो 197 अदद है, या हुसैन मौला बादशाह हुसैन का और सैयदा मलका शाम का अदद 197 अदद, याद रख लें। सलामुल्लाह, सलाम की अदद 131 है, अल्लाह के 66 है, अदद हो जाता है 197। ये वही अदद है जो कि मौला हुसैन और मलका शाम का अदद है। आप देख सकते हैं सलामुल्लाह का अदद भी वही है जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का अदद पाक है। हर बंदिश खुल जाए, हर काम में आसानी हो, लेकिन आपका अकीदा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं किसी भी नमाज के बाद 197 मरतबा या सलामो या अल्लाहो 41 दिन तक पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हर बंदिश खुल जाएगी, काम में आसानी होगी।